बात उत्तर प्रदेश बीएसपी की करते हैं, बीएसपी लिस्ट की। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 16 नाम शामिल हैं। इनमें 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीएसपी मुस्लिम कार्ड से विपक्ष का खेल बिगाड़ेगी? ये नजर डालिए, जो 16 प्रत्याशी हैं जिनका ऐलान हुआ है, और ये नाम आपको हम दिखा रहे हैं, पढ़ लीजिए अपने अपने इलाके से। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से। आशीष, ये जो 16 सूची में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, इसकी बड़ी बातें क्या हैं? और जो ये 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दाव चला है मायावती ने, बीएसपी ने, ये क्या विपक्ष का, कांग्रेस का, सबका खेल खराब करने जा रही है? बिल्कुल आशुतोष, आप देखिए कि 16 की जो लिस्ट आई है वो मायावती ने पहली लिस्ट से जारी की है होली के जस्ट पहले, और इसमें आप मान के चलिए कि जब 7 उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जबकि आप मानिए कि जो बीएसपी है वो हमेशा दलित का वादा करती रही है, दलित वोट बैंक उसका फिक्स वोट बैंक है, जिसमें से केवल 3 सीटें हैं वो सिर्फ दलित से हैं, यानी कह सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रही, चूंकि वहां पर उसने जाट कैंडिडेट को उतारे हैं और मुस्लिम, तो इस बार जो भरोसा जताया है वो मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज्यादा जताया है, चूंकि पिछली बार विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था उस दौरान समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा दिया गया था, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक ट्रांसफर हुआ था, और बीएसपी के केवल एकमात्र 1 सीट आई थी, वोट बैंक भी कम हुआ था। तो मायावती को ये लगता है कि उसका जो दलित वोट बैंक है वो तो उसके पास मौजूद है, तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करना है और इस बार लोकसभा में अपनी तरफ लाना है तो मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादातर उतारना होगा। और यही वजह है कि पहली लिस्ट में आपने देखा होगा 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और 3 शेड्यूल कास्ट से हैं और बाकी जो है जनरल और जाट से हैं। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि मायावती का जो भरोसा है इस बार वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ज्यादा है, और इसके साथ साथ जाट कैंडिडेट, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ वहां पर है, बीजेपी है, और इसके साथ साथ जब वहां के उम्मीदवारों पर आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट है उसमें जो जाट कैंडिडेट है वो जरूर उतारे हैं, त्यागी कैंडिडेट एक उतार दिया है मेरठ से। तो ये मायावती पहली बार इस तरीके से कर रही है, एक तरीके से इसे एक्सपेरिमेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके सामने अब इंडिया अलायंस और साथ साथ बीजेपी दोनों से उम्मीदवार को चैलेंज करना है। लेकिन बीएसपी ने अपनी थोड़ी सी रणनीति बदली है और उसके तहत ही इस बार दलित को थोड़ा सा पीछे रखा है, और आने वाली लिस्ट में हो सकता है अब आगे और बढ़ाएंगी जैसे जैसे ये लिस्ट जारी होगी। लेकिन जिस हिसाब से पहली लिस्ट आई है तो मंसूबे बिल्कुल साफ है बीएसपी के कि मुस्लिम को इस बार जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसके साथ साथ में जो जनरल कास्ट है उसमें भी उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, और एससी चूंकि वो उसका वोट बैंक रहा है परमानेंट, इसलिए वो उसको उसी लेवल पर रखेगा। मतलब जो आरोप लग रहा था कि डमी कैंडिडेट उतारेंगी बीएसपी, मायावती ने अपने इस सोच से चौंका दिया विपक्ष को भी, और कहीं ना कहीं फाइट में आने की पूरी कोशिश की है, उन्होंने अपनी मौजूदगी एहसास कराई है, दर्ज कराई है इस लिस्ट से। बिल्कुल आशुतोष, चूंकि जी ये जो लिस्ट है इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, अगर वहां पर त्यागी कैंडिडेट खड़ा है या वहां पर जाट कैंडिडेट खड़ा है, तो वहां पर मायावती ने भी अपना जाट कैंडिडेट त्यागी उतारा है, यानी कि पूरा चैलेंज तो देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को ये दिखाना है कि हमारा वोट बैंक ज्यादा होता है। आप एक बार और आशुतोष देखिए कि इस बार मायावती ये भी चाहती है देखना कि मुस्लिम वोट बैंक कितना उनके पास ट्रांसफर होता है, और जो अलायंस है इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उससे ज्यादा कितना वोट बैंक इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। और यही वजह है कि सेम कैंडिडेट उतार के कहीं ना कहीं ये पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगाड़ के रख दिया है, और ऐसे में ये माना जा रहा है, अभी तक ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कि वोट काटने का काम करेगी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन में उतरती हुई बीएसपी नजर आ रही है, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट एक ही सीट पर अगर 3-3 कैंडिडेट खड़े हैं और तीनों ही त्यागी और जाट से हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा इसमें एक पार्टी को जरूर मिलेगा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हम सब तक जानकारी पहुंचाने के लिए।